हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अली। हम आज के वीडियो में देखेंगे विंडोज 10 के अंदर सी ड्राइव अगर फुल होती है और रेड शो होती है तो हमें उसे कैसे क्लीन करना है विद द फ्यू ऑफ मिनट्स। सबसे पहले हम लोग सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर टोटल कैपेसिटी है 70 GB, यूज स्पेस 65 GB, फ्री स्पेस है 5 GB। तो हम लोग उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्क क्लीनअप पे जाएंगे। डिस्क क्लीनअप पे जाने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा सिस्टम डिस्क क्लीनअप होगा। डिस्क क्लीनअप के अंदर टेम्पररी फाइल्स, अनवांटेड जो भी फाइल्स रहेगी, सारी फाइल्स वो सबसे पहले विंडोज डिस्क क्लीनअप उसे कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करके हम एक विंडो शो करेगा। उसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन है, डाउनलोडिंग प्रोग्राम्स, टेम्पररी फाइल्स, डायरेक्ट एक्स शेयर। हम सबके ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम लोग ओके करेंगे। ओके करके देन डिलीट करेंगे तो हमारा डिस्क क्लीनअप स्टार्ट हो जाएगा। जो भी अनवांटेड टेम्पररी फाइल्स रहेगी और जो भी अनवांटेड डम फाइल रहेगी उस सारी फाइल्स को ये क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद नेक्स्ट है, हम लोग स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, फिर रन टाइप करेंगे। रन टाइप करने के बाद रन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे रन का विंडो ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे टेम्प। टेम्प टाइप होने के बाद यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट करेंगे। जैसे हम लोग कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट करेंगे तो सारी टेम्पररी फाइल्स डिलीट होगी। हमें पूछेगा कंटिन्यू। जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो टेम्पररी फाइल्स हमारे जो कुछ भी रहेगी, मेरी सारी टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो रही है। हम लोग जो भी फाइल पे क्लिक करते हैं उसकी एक डुप्लीकेट फाइल बनती है, एज ए शेडो फाइल बनती है। वो सारी शेडो फाइल टेम्पररी फाइल में स्टोर होती है। टेम्पररी फाइल में स्टोर होती है जो जिसे हमें हम उसे क्लीन नहीं करते। इसलिए हमें वीकली बेसिस के ऊपर टेम्पररी फाइल्स क्लीन करनी है, जिसके वजह से हमारे सी ड्राइव की साइज इंक्रीज ना हो और जिससे सिस्टम का परफॉर्मेंस खराब ना हो। अगर सी ड्राइव की साइज अगर इंक्रीज होती है तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब होगी, जिसकी वजह से सिस्टम स्टार्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हमारे एप्लीकेशन भी प्रॉपरली वर्क नहीं होगी। इसलिए हमें डिस्क क्लीन करना ज़रूरी है। डिस्क क्लीन करने के बाद हम लोग और एक क्रॉस चेक करेंगे, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। अभी फिलहाल के लिए हमारा डिस्क क्लीन चालू है तो हम लोग डिस्क क्लीन अप टास्क कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टेम्पररी फाइल, उसके बाद है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। परसेंटेज टेम्प परसेंटेज के अंदर हमारी हर एक फाइल की एक एक्सटेंशन फाइल बनती है। टेम्पररी फाइल भी अलग है और परसेंटेज टेम्प फाइल भी अलग है। अभी हम लोग यहाँ पे हमें पूछ रहा है जो कोई फाइल है एंडिंग में डिलीट करना है, हमने हमने क्लिक करके यस कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज TMP परसेंटेज। जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग सिलेक्ट ऑल शिफ्ट डिलीट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे टेम्पररी फाइल्स डिलीट होगी। हमें हमें ये पूछ रहा है दिस फाइल्स यू हैव टू रिमूव विंडोज अनदर प्रोग्राम, डू दिस ऑल द करंट आइटम देन क्लिक यस। जैसे हम लोग यस करेंगे तो ये इसलिए डिलीट नहीं हो रही कि ये बैकएंड के अंदर कोई एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो रही, इसकी वजह से ये हमें डिलीट करने के लिए नहीं दे रहा है। देन हम लोग वापस विंडोज़ में जाएंगे, एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे दिस पीसी के अंदर। जैसे हम लोग दिस पीसी के अंदर चेक करेंगे तो हमारे टेम्पररी फाइल्स वगैरह हमारा सब कुछ क्लीन हो चुका है और हमारे यूज स्पेस है 44 GB। अननोन फाइल रिमूव करने के बाद अभी ये पूरी तरह से खाली हो चुकी। इस तरह हम लोग डिस्क क्लीन और टेम्पररी फाइल रिमूव करके हमारे सी ड्राइव की स्पेस हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और सी ड्राइव को ब्लास्ट होने से या सी ड्राइव ब्लॉक होने से हम लोग सी ड्राइव को हम लोग सेफली बचा सकते हैं।
ये वीडियो के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।